यार मम्मा ना क्या है. सो एक्चुअली मैं आपको सही रीजन बता देती हूँ कि मम्मा अवॉइडेड मम्मा से कि आई वांट सेंड यू नो व्हाट, बिकॉज मम्मा को वीडियो में आना नहीं था और मैं लेके आ गई मम्मा को वीडियो में. यस राइट. यस बिकॉज मम्मा को अपना प्यारा सा शो में बैठ के देखना था. सही. मैं मुझे कोई शो नहीं देखता. अच्छा नहीं आता. अच्छा उनको वीडियो में नहीं आता. जस्ट रियली रियली. सो I'm playing with this, you can continue. No, yaar, mom. Please continue. Oh god. So guys, aaj ki video mein matlab jaise main banati hu waisi nahi hai. It's something different and something creative. To aaj main aap sabko batane wali hu meri Bollywood journey. Right, mama? Right, mama. Right, mama. Right, mama. Yes, right. Samajh gaya? So we will start our Bollywood journey today. Yes, we will tell you guys our Bollywood journey today. Our? Yes. I'm not an actress. But still, now you supported me, so our. Okay? Okay. So, let's start this video. मामा की 10 आंखें हैं. सो मॉम का शूट मुझे कैसे मिला था वो मॉम बताएंगी. चलो बोलो. मॉम के लिए कॉल आया एंड देन ऐसा था कि अगर दिल्ली में शूट होगा तो रिवर विल डू, अगर मुंबई में होगा तो दे हैव अनदर ऑप्शन. सो फाइनली लक मैटर्स एवरीवेयर. इट हैपेंड इन दिल्ली ओनली इन नोएडा बेसिकली. या एंड दैट्स हाउ शी गॉट दिस. आफ्टर दैट आई सी यू टाइम. आफ्टर दैट यू हैव टू टेल. Okay, I didn't know you have to get it. Okay, after that, we went for many auditions. Yes, we got many shoots, like print shoots. Yeah, print shoots, TVCs. सारे आपको एक-एक करके दिख जाएंगे. So many print shoots. So many print shoots. Almost so all the kid pieces. Brands. Yeah. And nice. She was brand model for Biba for 3 years also. So then after that,
आफ्टर मॉम मूवी में विशाल किया तो पहले तो बहुत सारा मतलब वहां पे प्रिंट शूट किया बहुत सारी टीवी सीरीज की एंड छोटू सीरीज का किया था पंजाब इंश्योरेंस यस दिस इज फॉर यूएस एंड कनाडा या बॉम्बे आने के बाद मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए ऑलमोस्ट 100 ऑडिशन दिए थे मैंने होटल का खर्चा करना पड़ेगा तो जैसे मैं ऑडिशन देने जा रही थी तो वहाँ पे जो ऑडिशन शूट कर रहे थे ना वो भी आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे थे कि ये दिल्ली से आए हैं ऑडिशन देके चले जाएंगे बट नो वन न्यू कि वी शिफ्टेड हम बोल भी रहे थे कि हम लोग एवरीडे जा रहे थे शूट पे उसके बाद सबको ट्रस्ट भी हुआ एंड दैट्स एक एक तो शूट आया तो फिर हमने गए तो सब लोगों को ट्रस्ट हुआ कि हाँ दे शिफ्टेड हियर दे आर लाइक वीकेंड सेंटर है हमें मतलब बॉम्बे में शूट होता गाने वीकेंड जो इतना सो वैसे हुआ तो वी हैड टू स्ट्रगल अ लॉट ड्यूरिंग दैट 3 months या ड्यूरिंग दैट 3 months इट वाज वेरी डिफिकल्ट या इतने जगह मम्मा लेके चलते डेली एंड मूव हियर वाज वेरी हम हमारा वहां पे भी शूट था सो मतलब वी लेफ्ट ऑल ऑफ दैट देयर बट वी केम हियर सो यहां पे मतलब हमने टोटल 3 months स्ट्रगल किया एंड उसके बाद तो बैक टू बैक उसके बाद तो फिर मेरे शूट स्टार्ट हो गए सबसे फर्स्ट एलजी एस्ट्रोनॉट व्हिच वाज द बिगेस्ट एड जिसको एड ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला बैंकॉक में हुई सो मैंने मुंबई आके फर्स्ट एड की थी जो मेरी मुंबई की फर्स्ट एड थी फिर उसके बाद मेरे नॉर्मल शूट्स स्टार्ट हो गए मैंने बहुत सारी एड्स की आप सबको दिख ही रहे होंगे अब इतने सारे मेन तो याद नहीं है यार सो मेनी एड्स या ऑलमोस्ट आई डोंट नो या ऑल डेटॉल है ग्लूकोंडी है हॉर्लिक्स है सो एक एक करके आप सब सारे देख सकते हैं एंड मतलब बहुत उसके बाद मैंने फिल्म्स भी की तो यहाँ पे आके मेरी फर्स्ट फिल्म थी मुंबई आके मेरी फर्स्ट फिल्म थी पता हसीना पार्कर यस यहाँ पे आके मेरी फर्स्ट फिल्म थी हसीना पार्कर आफ्टर दैट मर्द को दर्द नहीं होता एंड देन पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक देन पूरी का सीन वाज आल्सो सो अमेजिंग बिकॉज व्हाट हैपेंड इज वी वर इन दिल्ली व्हेन वी गॉट कॉल फॉर दिस ऑडिशन एंड मेरे मामू की वेडिंग थी तो हम मेरे मामू की वेडिंग के लिए गए थे तो फिर दैट टू फॉर 3 डेज ओनली बिकॉज ऑलरेडी शी वाज शूटिंग फॉर अ शो या सो मतलब हम सिर्फ 3 डेज के लिए जा सकते थे बिकॉज मैं तो मेरे पापा हीरो हीरा लाल कर रही थी इट वॉज योर फर्स्ट इट वॉज माई फर्स्ट टीवी सी नॉट टीवी सी इट वॉज योर फर्स्ट टीवी शो विच वेंट योर नेट सी टीवी सी इज एड एंड टीवी इज टीवी सो मेरा फर्स्ट शो था तो वो भी कर रहे थे तो हम सब 3 डेज के लिए गए थे क्योंकि मेरे मामू की वेडिंग थी तो फिर 15 डेज हो गए थे उस बात को देन आफ्टर दैट वी गॉट कॉल कि अभी भी ऑडिशन चल रहा है प्लीज आप आके ऑडिशन दे दो सो मैं गई मैंने ऑडिशन दिया एंड हम लोग वापस आ गए वापस आते हम आप बताओ कि हर गए तो हम रास्ते में थे ठीक है मेरे मामू भी सॉफ्ट गए थे ऑडिशन के लिए मामू और मम्मा तो बाहर वेट कर रहे थे कि मैं ऑडिशन देके आऊंगी एंड ही वाज क्राइंग सो मच इनसाइड ना तो हम दोनों को ऐसा लग रहा था यार क्या हो गया ये क्या हो गया सब ठीक तो है ना सो देन आफ्टर दैट जब हम आए तो फिर हम रास्ते में थे एंड कॉल आ गया कि कम बैक एंड शी वाज शॉर्ट लिस्ट डायरेक्टर तो मतलब यू नो ये एक्टिंग करने के लिए ना यू नो सो मेनी स्ट्रगल्स पहले आपको ऑडिशन देना पड़ता है फिर उसके बाद शॉर्टलिस्ट होते हैं बच्चे एंड देन आफ्टर यू आर शॉर्टलिस्टेड फिर लुक टेस्ट होता है लुक टेस्ट के बाद लिस्ट के बाद अगेन एक और टेस्ट होता है जिसमें शॉर्ट फाइनल टू किड्स रहते हैं या एंड देन उसके बाद लुक टेस्ट होता है
एंड देन फिर शूट देन फाइनल होता है। सो वी वेंट टू मीट डायरेक्टर और डायरेक्टर सर ने ऑडिशन चेक किया एंड ही सेड कि शी इज फाइनलाइज्ड। सो दिस वाज द बिग अचीवमेंट फॉर मी। या एंड देन आफ्टर दैट आई डिड गुंजन सक्सेना। नहीं, हम लोगों ने जैसे ही उसका उरी का प्रीमियर हुआ था, प्रीमियर नाइट वी गॉट कॉल फॉर दैट यू हैव टू कम फॉर द गुंजन सक्सेना। या जब लाइक उरी का प्रीमियर नाइट था, मतलब फिल्म वाज गोइंग ऑन, मम्मा सडनली गॉट अ कॉल कि यू हैव टू लाइक यू हैव टू कम फॉर गुंजन सक्सेना। बट हमने ऑडिशन पहले दिया हुआ था। देन मैंने गुंजन सक्सेना की भारत की भारत तो गुंजन सक्सेना से पहले थी ना। हाँ, फिर मैंने काली कुई की जो मोस्ट रिसेंट थी। मेरे है ना, मतलब मेरे इतने लॉन्ग हेयर थे एंड यू वर शूटिंग फॉर गुंजन सक्सेना एंड ड्यूरिंग गुंजन सक्सेना हमें काली कुई का आया, तो उन्होंने कभी हाफ टू कट करा है। और उसने नो मम्मा, सो मम्मा बोल रही कि नहीं शी वोंट डू इट। मम्मा बोल रही कि नहीं वो अपने बाल थोड़ी ना कट पा रही। वाह, इट्स ओके, वी हमने एक तो ऑप्शन दिया था उनको। सो मम्मा वाज लाइक कि शी वोंट डू इट बट आई सेड आई विल डू इट एंड मैंने कट करा दिया। ऐसे चैलेंजेस तो रीवा ने बहुत सारे लिए हैं। एक तमिल वेब सीरीज थी व्हाइट मैटर, उसमें रिमेंबर उसके लिए मेरे को उसमें स्विमिंग नहीं आती थी। उस टाइम पे स्विमिंग नहीं आती थी, उस टाइम पे स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। एंड सिर्फ 3 डेज का टाइम था कि इतने दिन बाद शूट है एंड उन्होंने कहा था कि अगर अच्छा स्विमिंग नहीं आती देन हाउ विल यू डू इट। आई सेड आई विल, बिकॉज़ द प्रोमिनेंट रोल वाज इन वाटर। या सो आई सेड आई विल लर्न एंड देन शी लर्न डाइव। या मैंने सीखा डाइविंग लर्न की एंड देन मैंने 3 डेज को पूरी स्विमिंग परफेक्ट, मतलब चैंपियन। या मैंने पूरी लर्न कर ली एंड देन वो जो पूल था एंड शी स्पोक वेरी गुड तमिल। हां या अम्मा स्कूल तो स्वर्णरा एना के तेरी अम्ला उंगला कर एडन मशीन ताड़ के। अगर किसी को तमिल आता है तो आप कमेंट करके बताओ कि इसका मतलब क्या है। यस, तो मैं नहीं बता रही, आपको कमेंट करना पड़ेगा। सो आप सबको स्कोर करना पड़ेगा कि भाई कौन सा तमिल है। बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलनी पड़ेगी जो सब बोलते नहीं है। अच्छा चलो, कन्नड़ ड्राइव मारता ही रोआगा ना ना फोन ही आके तो विंडे डाली। तो जिनको कन्नड़ आती वो भी कमेंट करो। আমার দোষ বছর বয়স হতে চলো আর তুমি বলো আমাকে বাঁচাদা হেলে দিন কেটে দিচ্ছ কবে সিরিয়াস হবে। সো লাইক দিস তো শি নোস সো মেনি ল্যাঙ্গুয়েজেস। দেন মতলব জব মে গই ওয়া পে শুট পে ইট ওয়াজ লাইক কিতনা ডিপ থা ইট ওয়াজ 15 ফিট অর 12 ফিট সামথিং ফিট। সো লাইক হোয়াট মানে লার্ন কিয়া 5 ফিট মে 5 নাই 7 ফিট 5 7 ফিট 5 7 ফিট মে লার্ন কিয়া আই হ্যাভ টু ডাইভ আই হ্যাভ টু ডাইভ 15 feet. तो फिर जब सीन वाला मैंने डाइव किया तो नीचे टच कर गया था। मैं उतना ही मैं एक सेकंड के लिए शॉक थी कि ओ माय गॉड इट वाज सो कोल्ड। या एंड शी हैड टेंपरेचर 102 टेंपरेचर आल्सो। शी हैड मेडिसिन लेके एंड शी वेंट इन द वाटर एंड दैट डिड इवन नॉट सपोज टू डू दैट सीन। या एकदम से सेड ओके आई विल। या मैंने फिर मुझे सक्सेना के लिए मैंने हेयर कट ऑन तो मुझे सक्सेना के लिए तो सही है। आई विल टेल It was ready to see that my hair cut again. And then they were like, "Oh my God, look how she is!" I was like, Then somehow they managed. And उसने भी काम आया ना swimming आपका? Yes. उसमें कहाँ ने jump करना था 8 feet? Height से. वो तो सबसे ज़्यादा डरा था। उसने भी swimming काम आया. So thanks to White Man. And then मैंने सभी सीख लिए ना. कौन सी? जिसमें आपने sign language उसकी थी. And the web series also. Yeah, we did web series also. TV and film. And then Bandish Bandit. Many things. So this is our entire journey. Yeah, this is my entire journey. So I think that's it. So thank you so much for watching. Give this video a big thumbs up. Subscribe to my channel. In your language. चाहिए।
दीवा।